हाय गाइस, मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हो क्रोमा टेक यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में बात करेंगे लेटेस्ट पिक्सल एक्सपीरियंस प्लस एडिशन के बारे में Mi11X के ऊपर। और यहाँ पे जो है चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो चुकी हैं अगर आप इसको कंपेयर करते हो इसके प्रीवियस अपडेट के साथ। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर दो, वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो। सबसे पहले अबाउट फोन के अंदर आते हैं तो यहाँ पे एंड्रॉयड 11 के ऊपर बेस्ड ये आपको अपडेट मिलता है जो कि काफ़ी स्टेबल हो चुका है। एंड इस रोम के अंदर ना आपको बिल्कुल भी हीटिंग इशूज़ नहीं मिलेंगे एंड काफ़ी स्टेबल परफॉर्मेंस आपको इस रोम के अंदर देखने के लिए मिलती है। अगर आप गेमिंग के अंदर भी कंपेयर करना चाहते ना तो गेमिंग के अंदर भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस हो चुकी है। अक्टूबर का सिक्योरिटी पैच लेवल और इमेंसिटी एक्स कर्नल आपको इस रोम के अंदर देखने को मिलता है। इसको फ्लैश कैसे करना है उसके रिगार्डिंग वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पे डाली है, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर देता हूं, जाके चेकआउट जरूर से कर सकते हो। सबसे पहले अबाउट फोन के अंदर आते हैं, यहां पर सॉरी अबाउट नहीं, यहां पर प्ले स्टोर के अंदर आते हैं तो आपका जो डिवाइस है वो सर्टिफाइड मिलता है। विदाउट रूट आप बैंकिंग एप्स को यूज कर सकते हो। वाइड वाइन L1 आपको देखने के लिए मिल जाता है जो कि काफी अच्छी बात है। यहां पर जो स्टॉक कैमरा आपको मिलेगा वो कुछ एंड्रॉइड बेस्ड आपको कैमरा मिलता है, ओल्ड वाला है। अगर आप यूज करना चाहते हो तो कर सकते हो, या फिर जी कैम 8.1 या आप यहां पे ट्राई कर सकते हो। इवन 4K 60 FPS के ऊपर वीडियोस वगैरह भी यहां पे काफी अच्छे से वर्किंग है। सबसे पहले बात करेंगे अब यहां पे इसके स्मूथनेस की। ऐप ओपनिंग क्लोजिंग स्पीड आप देख सकते हो काफी ज्यादा स्मूथ हो चुकी है, कोई दिक्कत वगैरह आपको यहां पर नहीं आएगी। एंड उसके साथ ही आपको यहां पे ना जो है टच रिस्पॉन्स भी काफी अच्छा देखने को मिलता है, 120 Hz काफी स्मूथली वर्क करता है जो कि मैंने आपको पिछले अपडेट के अंदर भी बताया था। तो यहाँ पे सुपर स्मूथ एक्सपीरियंस मिलता है और ये MIUI से टोटली डिफरेंट है। MIUI के ऊपर आपको ऐसी स्मूथनेस कभी भी नहीं मिलेगी जैसी आपको यहाँ पे मिलती है, और रैम मैनेजमेंट वगैरह भी काफ़ी टॉप नॉच आपको देखने के लिए मिल जाता है। अब आते हैं सेटिंग के अंदर, उसके बाद बैटरी का सेक्शन आपको चेक करवा देता हूँ। तो जो बैटरी बैकअप है ना वो आपको काफ़ी स्टेबल देखने को मिल जाता है, 120 Hz के ऊपर आपको ऑलमोस्ट 7 से 8 घंटे के बीच में स्क्रीन ऑन टाइम इस रोम के ऊपर मिल जाएगा, कोई दिक्कत वगैरह नहीं आएगी। चार्जिंग स्पीड काफी अच्छी है, कोई मैंने यहां पे इश्यूज वगैरह फेस नहीं किए चार्जिंग के टाइम, और कोई दिक्कत वगैरह आपको इन सब चीज़ों के अंदर नहीं आएगी। यहाँ पे आपको इंडिकेट जो है मिल जाता है वाइब्रेट वाला, जो आप देख सकते हो वाइब्रेट टू कॉल इंडिकेट स्टेटस, वो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है। बाकी कोई मी साउंड इन्हेंसर अभी के लिए यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। डिस्प्ले के अंदर आपको यहाँ पे मिल जाता है 120 Hz का रिफ्रेश रेट, इसको आप 90 के ऊपर भी सेट कर सकते हो, और आपको कलर्स यहाँ पे बूस्टेड सैचुरेटेड अडेप्टिव सभी देखने को मिल जाते हैं और ये काफ़ी अच्छे से वर्क करते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको सेम एज इट इज़ ऐसी मिलेगी। उसके बाद सिस्टम के आते हैं तो ये एक ऑफिशियल अपडेट मिलता है और इसके अंदर आपको यहां पे कुछ इस तरीके से ना जो आप देख सकते हो अपडेटर मिल जाता है। बाकी स्टेटस बार के अंदर कुछ ट्वीक्स आप कर सकते हो, बटन्स के अंदर आपको ऑप्शन मिलते हैं, जस्टिस के अंदर स्वाइप टू स्क्रीनशॉट वर्किंग है, उसके बाद लॉन्ग स्क्रीनशॉट वैसे आप नहीं ले सकते, और ये जस्टर सेटिंग्स आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाती हैं। अब सबसे पहले आप इसका जो है Geekbench 5 का स्कोर देख सकते हो, ये आपको कुछ इसका Geekbench 5 का स्कोर मिल जाता है। उसके साथ आपको यहां पर देखने को मिल जाता है यह इसका सीपीयू थ्रॉटलिंग ग्राफ जो कि आप यहां पर चेक कर सकते हो। अब सीपीयू थ्रॉटलिंग ग्राफ के अंदर आप जैसे इसको सीपीयू थ्रॉटलिंग टेस्ट को ओपन करते हो ना तो आपको जो मैक्सिमम सीपीयू क्लॉक है 1.47 गीगाहर्ट्ज मिल जाती है, और मैक्सिमम इसकी है 3.19 गीगाहर्ट्ज के ऊपर। जब मैंने स्टार्टिंग में इसको ओपन किया था 2.74 मैक्सिमम मेरे को शो कर रहा था, बट अभी के लिए कुछ ऐसा आपको देखने को मिल जाता है। तो इसके वजह से आपको कोई हीटिंग इशू नहीं आएगा, प्रॉपर स्टेबल परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल जाती है। और गेमिंग परफॉर्मेंस की बात कर ले तो गेमिंग परफॉर्मेंस भी लिटरली काफ़ी अच्छी यहाँ पर आपको मिल जाती है। जो टच रिस्पॉन्स है जो जायरो है ना वो काफ़ी अच्छे से वर्क करता है, बट समटाइम्स मेरे को ना थोड़ा सा यहाँ पर इशू आया था, थोड़ा फ्रेम ड्रॉप का, और थोड़ा कंटिन्यूस अगर आप खेलते हो ना तो थोड़ा सा मेरे को दिक्कत आई थी यहाँ पे टच के रिलेटेड भी थोड़ी आई थी, बट नॉर्मली काफ़ी अच्छी आपको यहाँ पे ना गेमिंग परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल जाती है। तो यही था इस वीडियो के लिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।